Hello everyone, and welcome to Ashish Malik IAS Academy. I really hope guys that you are doing absolutely great. So, आज है हमारा lecture number 3 जो हमने शुरू किया था geography with Ashish Malik series का. तो हम लोग बात करेंगे about this third lecture. So, as you guys know, this series मैं आपको बता दूँ, this is a series called geography with Ashish Malik जहाँ पे complete NCERT foundation batch मैंने start किया है 17 December को हम लोगों ने start किया था. And we are going to cover class 6 से class 12 NCERT one by one chapter wise हम लोग जो है बात करेंगे. So today we are going to talk about the chapter number 1 and this is third lecture जिसका main topic रहेगा the solar system. ये आज का जो main topic है it is based on the solar system जिसके अंदर हम जो सभी planets हैं उनकी properties हैं उनको discuss करेंगे as per NCERT. अभी मैं beyond NCERT नहीं जा रहा because this is a fundamental foundational course और NCERT तक ही restricted रहना चाहता हूँ क्योंकि एक बार आपका NCERT में base बन जाएगा then it is more relevant कि मैं जो आपकी standard course books हैं फिर चाहे वो आपकी GC Leong है या फिर और जो आपकी foundational जो standard books हैं या और beyond that उसको भी हम लोग जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे. लेकिन अभी का जो chapter जो course है it is about NCERTs only. लेकिन इससे पहले हम लोग आज जो बात करें अपने इस टॉपिक के बारे में I have certain announcements to make. कुछ announcements हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. For example guys अगर आप current affair के लिए prepare कर रहे हैं और करंट अफेयर के लिए आपको नहीं पता कि सर कहाँ से कवर किया जाए सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मेरी ये 3 बुक्स जो मैंने करंट अफेयर के लिए लिखी हैं दिशा पब्लिकेशन के साथ में. दिशा 365 मेरी वो करंट अफेयर की बुक है जो कंप्लीट GS2 और GS3 को कवर करती है और इसके अंदर सबसे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर एक करंट अफेयर का टॉपिक इज फॉलोड बाय लॉट ऑफ MCQ. लगभग कम से कम 360 से ज्यादा आपको करंट अफेयर के टॉपिक मिलेंगे जो आपको GS2 और GS3 दोनों को कवर करने में हेल्प करेंगे. प्लस में ये जो बुक है इसके अंदर हर टॉपिक के बाद यू हैव लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड 1000 से ज्यादा आपके पास MCQs भी हैं और मेंस के क्वेश्चंस भी हैं जिनको प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड ओवरऑल यू हैव 4 प्रीलिम्स एंड 4 मेंस के मॉक टेस्ट. ये सब अवेलेबल है आपके इस वन स्टॉप बुक के अंदर. आई एम श्योर यू गाइज विल लव इट. इस बुक को जरूर रेफर कीजिए. और प्रीलिम्स के लिए आई हैव दिस थर्ड बुक कॉल्ड 1000 मोस्ट प्रोबेबल MCQs. ये भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी. सो गाइज इन बुक्स को आप रेफर करें. इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2021 अगर 2021 आपका टारगेट ईयर है सो आई कैन टेल यू वन थिंग अन अकेडमी जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों के लिए लेके आया है 6 मंथ्स के लिए बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट्स क्योंकि 21 December से स्टार्ट होने वाले हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बैचेस. आप जानते हैं गाइस टाइम बहुत लिमिटेड है और सिलेबस बहुत वास्ट है. अगर उसको आप कवर करना चाहते हैं देन ओनली एंड बेस्ट वे इज टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन अनअकैडमी बैचेस. अनअकैडमी के जो अल्टीमेट GS बैचेस हैं बाइलिंगुअल हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा. 21 December से स्टार्ट होंगे जिसमें पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे विद द हेल्प ऑफ टॉप एजुकेटर. PDF मटेरियल आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज जाके ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है इंक्लूडेड होगा. उसके लिए आपको क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी प्लस को. डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक जो है मैंने दिया है आप चाहें तो उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं. 21 December से बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं चाहे वो 2021 के हैं 2022 या 2023. तो अगर आप अगले 3 साल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस देन अनअकैडमी कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन. और अनअकैडमी के ऊपर आप जरूर फॉलो करें. मैं खुद अनअकैडमी के लिए टीच करता हूँ. अनअकैडमी के ऊपर आई एम दी फैकल्टी फॉर ज्योग्राफी करंट अफेयर एंड हिस्ट्री एंड सभी वेल एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड आपके एजुकेटर्स हैं. आप जाएं उन सभी के कोर्सेज उन सभी के क्लासेस आप जो है बेनिफिट उठाएं. और वैसे भी सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक होने वाला है. इकोनॉमिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस बढ़ने वाला है तो इससे पहले बढ़े मेक श्योर कि जल्दी से जल्दी जाके आप इसको सब्सक्राइब कर लें. जब भी सब्सक्राइब करेंगे चाहे आप 1 ईयर का करें या फिर आप 2 ईयर का या 3 ईयर का जो भी आपका सब्सक्रिप्शन प्लान होगा सब्सक्राइब ये सब्सक्रिप्शन के रेट है 6 मंथ से 3 ईयर तक का सब्सक्रिप्शन. जो भी आपका फाइनल यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरल कोड तो इस रेफरल कोड आपसे जब पूछा जाए तो आप आशीष मलिक रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं. ये रेफरल कोड यूज करने पे यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट अ डिस्काउंट. आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको जो है जरूर मिलेगी. राइट सो मेक श्योर कि आप इन चीजों का ध्यान रखें इन सभी चीजों को सब्सक्राइब करते वक्त.
ठीक है। और इसके अलावा यू हैव टू मेक श्योर कि बाकी जो लिंक्स हैं, बाकी डिटेल जितने भी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 20th December, कल 20 दिसंबर है, तो अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्विज होने वाली है 11 बजे। सब लोग फ्री, बिल्कुल फ्री पार्टिसिपेशन है, इसको कहते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट। इसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेट करने का फायदा ये है कि अगर आप जीतते हैं, लगभग 45 मिनट्स का एक कॉम्पिटिशन होगा जिसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा और आपने 1, 2, 3 रैंक लेकर के आए, तो आपको 1 month का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको फ्री दिया जाएगा। सो आप उसे भी जरूर जरूर जो है आप ट्राई कीजिए गाइस। एंड उसके साथ साथ में अगर आपकी रैंक जो है 1-4 to 150 रही, तो आपको डेफिनेटली यू विल गेट अमेजोन वाउचर्स भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक था। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बतानी जरूरी है। आज का जो मेन टॉपिक द सोलर सिस्टम, जिस चीज के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसे जरा यहाँ देखा जाए। एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे कुछ बीच में आई थिंक शेयरिंग में इश्यू हो गया। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, हम सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। सो सोलर सिस्टम को जरा देखते हैं यहाँ पे कवर करके। कभी कभी हो जाता है ऐसा। जी हाँ, सोलर सिस्टम जो है हमारा, इसको कवर करेंगे। तो अभी तक, कल तक हम लोगों ने इसके बारे में बेसिक्स पढ़े थे, उससे पहले का चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? बहुत लोगों को लगता है सोलर सिस्टम का मतलब है सन और प्लैनेट्स बस, बट इन रियलिटी गाइस सोलर सिस्टम थोड़ा सा उससे बड़ी चीज है। कल हमने स्टार के बारे में समझा था कि स्टार्स क्या होते हैं। स्टार्स आपके वो होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट। वो सेलेस्टियल बॉडी जिसकी अपनी खुद की हीट एंड लाइट है, वो स्टार होते हैं। और जो स्टार है, सन भी तो आपका एक स्टार है, यस और नो? सन जो हमारे लिए जो पूरा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन दैट इज अ स्टार ओनली। तो इस सोलर सिस्टम में, यानी कि ये एक सन की फैमिली लगा लीजिए। सन जो है यहाँ पे इज द हेड ऑफ द फैमिली, और इस हेड ऑफ द फैमिली के साथ में बाकी क्या क्या मेंबर आपके रहते हैं उस पूरे सिस्टम को अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा सन, सन के साथ उसके 8 planets, सन एंड सन के 8 planets, उन planets के सभी नेचुरल सैटेलाइट्स, जैसे कि अर्थ का एक है, मून, मार्स के 2 हैं, जुपिटर के 79 है, सैटर्न के 82 है। तो इस तरह से सभी के सैटेलाइट्स, वो भी साथ में सोलर सिस्टम का पार्ट है, और बाकी सेलेशियल बॉडी जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, जैसे कि मीटियोरॉइड्स, ये सब मिल करके बनते हैं आपके सोलर सिस्टम। तो अगर तुम्हें को ऑप्शन आ जाए द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर सब आएगा। अगर प्लैनेट भी दिया ऑप्शन में, तो प्लैनेट भी है, साथ में उसके सैटेलाइट्स भी हैं, मीटियोरॉइड्स भी हैं और एस्ट्रॉइड्स भी हैं। तो ये सब मिलकर के बनता है। हालांकि सोलर सिस्टम का जो अगर मैं मास की बात करूं, तो 98% जो मास है वो अकेले सन के अंदर है। सन constitutes 98% mass of the solar system, और ये बाकी जो सब चीजें हैं that makes almost 2% of the mass, 2% mass बाकी इन चीजों का, 98% mass आपका sun का रहता है। अगर angular momentum की बात करें, तो उस केस में आप देखते हैं कि सर 98% जो angular momentum है, 98% जो एंगुलर मोमेंटम, इनफैक्ट 99% ही लगा लो, सॉर्ट ऑफ 99% जो एंगुलर मोमेंटम है सोलर सिस्टम का, वो एक्चुअली इसके प्लैनेट, सैटेलाइट और बाकी चीजों के पास है, जो यही जो ग्रुप है एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, एंगुलर मोमेंटम उस चीज का होगा जो ज्यादा मूव करेगी। अब हमारे सोलर सिस्टम में हमारे लिए सन जो है वो तो फिक्स्ड है, बट इन रियलिटी सन भी फिक्स नहीं है गाइस। सन भी जो है वो भी एक तरह से, क्योंकि है तो ये पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी ना, तो सन भी जो कम से कम आपके बहुत सारे मिलियन ईयर्स लगते हैं, बहुत 250 मिलियन ईयर्स में कम से कम एक पूरा चक्कर लगाता है मिल्की वे गैलेक्सी का। खैर, हमारे लिए वो पार्ट हम इसको इसलिए कॉन्स्टेंट रखते हैं ताकि हम सोलर सिस्टम को एक सिंगल फ्रेमवर्क में समझ पाए, बट अल्टीमेटली सोलर सिस्टम इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग पूरे मिल्की वे गैलेक्सी के लिए, राइट? तो उस पूरे मिल्की वे गैलेक्सी के हिसाब से तो सन भी मूव करता है, सन भी चक्कर लगाता है, पूरा रिवॉल्व करता है मिल्की वे गैलेक्सी में। कम से कम 250-300 मिलियन साल लगते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम उसी चीज का होगा, उसी सेलेशियल बॉडी का होगा जो मूव करेगी, ज्यादा मूव करेगी।
अब कंपैरेटिवली ये चीजें ज्यादा मूव करती हैं तो 99% एंगुलर मोमेंटम इनके अंदर होगा और करीब करीब 1% या उससे भी कम आपके सन के अंदर होगा एंगुलर मोमेंटम। लेकिन मास सन में ज्यादा है बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप सन का साइज कंपेयर करें इनसे तो उसके मुकाबले सन बहुत बड़ा है, 98% मास रखता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम के बारे में कि जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसको वन बाय वन करके देखते हैं, वन बाय वन जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो एक सिंपल पिक्चर आप लोगों के सामने कि सर सोलर सिस्टम क्या है। तो जी सोलर सिस्टम आपका ये है, सोलर सिस्टम ये है आपका सोलर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 8 planets जिनकी हमने बात की। सो वी हैव मरकरी जो सबसे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बात कर रहे हैं सबसे क्लोजेस्ट सन के वो है मरकरी। देन वी हैव वीनस, देन वी हैव अर्थ, वी हैव मार्स, वी हैव एस्ट्रॉइड्स। ये प्लैनेट नहीं है, ये इन दो के बीच में मार्स और जुपिटर जो दो प्लैनेट्स हैं इनके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एक्चुअली ये पूरी ही बेल्ट अगर आप देखते हैं तो इस तरह से इस पूरी बेल्ट में आपको एस्ट्रॉइड्स मिलेंगे, इसको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, इट्स कॉल्ड एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो आपको मिल रही है यहां पे, इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर आप देखते हैं तो लगभग ऐसा नहीं कि सारे एस्ट्रॉइड बट हाँ ऑलमोस्ट ऑल द एस्ट्रॉइड्स लाई इन दिस बेल्ट। तो एस्ट्रॉइड के लिए भी ये खास बात है गाइस कि इनका भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। एस्ट्रॉइड्स जो आपकी रॉकी बॉडीज हैं, जो प्लैनेट नहीं है सिर्फ एक आपके पथरीली रॉकी बॉडीज हैं, पर इनका भी दे ऑल्सो ऑर्बिट द सन। यस दे डू। कल को क्वेश्चन में आ जाए कि ऑर्बिट्स की एस्ट्रॉइड्स are the one that orbit the sun. So yes, true. Or actually, asteroid के अंदर और meteoroid के अंदर ना यही सबसे main difference होता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, पर एक difference ये बात आप ध्यान से समझिएगा, asteroid और meteoroid में यही difference main है, क्योंकि जो meteoroids होते हैं ना, meteoroids जो है आपके, वो जो है आपके meteoroids जो है वो आपके जो रिवॉल्व करते हैं वो किसी सन के अराउंड नहीं करते हैं। मीटियोराइड्स ऐसी चीज है जो आपके कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनका कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होता। लेकिन एस्ट्रॉइड जो है, एस्ट्रॉइड वो पर्टिकुलर सेलेशियल बॉडीज हैं जो आपके सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। इसीलिए गाइस एस्ट्रॉइड्स का सोलर सिस्टम से बाहर जाना इट इज नॉट वेरी इजी। तो ज्यादा से ज्यादा जो आपके बाकी आपके देखिएगा आप मीटियोराइड्स बहुत आते हैं, मीटियोर शार्स बहुत होती है। जो मीटियोराइड है इसलिए वो कहीं कहीं किसी किसी ऑर्बिट में जा सकते हैं। अर्थ पे बहुत सारे मीटियोराइड्स आते हैं जिनसे इम्पैक्ट लेक बनती है, क्रेटर लेक्स बनती है, है ना। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रॉइड्स जो है वो आपके कंपैरेटिवली साइज में भी बड़े होते हैं, मीटियोराइड साइज में उतने बड़े नहीं होते। एस्ट्रॉइड्स आर लार्जर देन मीटियोराइड्स, अगर साइज की बात करें तो ये बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। खैर इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल मैं सोलर सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा था। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो पहले चार फर्स्ट फोर प्लैनेट्स हमने देखे, ये फर्स्ट फोर प्लैनेट्स जो है हमारे, इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स। इनको क्या कहेंगे गाइस, क्योंकि देखो हमारे लिए डिविजन आ गया। ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, समझ लीजिए कि एस्ट्रॉइड बेल्ट ने डिवाइड कर दिया प्लैनेट्स को दो ग्रुप के अंदर। पहले फोर फर्स्ट फोर प्लैनेट्स हमारे सामने और फिर ये बाद के चार प्लैनेट्स हमारे सामने। इसमें मैंने प्लूटो को ऐड नहीं किया, प्लूटो क्यों नहीं ऐड हुआ उसके बारे में बात करेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके चारों बाहर के प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड बेल्ट से सन के बीच के जो प्लैनेट्स हैं उनको कहते हैं इनर प्लैनेट्स। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट इतने परफेक्टली लोकेशन पे अभी है फिलहाल, जो पूरे ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स को दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। तो इनको इनको कहेंगे इनर प्लैनेट्स, इनको कहेंगे इनर प्लैनेट्स और इसको कहेंगे आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स का एक और नाम भी है, इनर प्लैनेट्स को हम कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड इनर प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं भाई। आउटर प्लैनेट्स को हम कहते हैं गैस जाइंट्स, इनको गैस जाइंट भी कहते हैं, इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। अब गैस जाइंट का मतलब जो गैस से बने, कि एक्चुअली इनकी कॉम्पोजिशन पे नाम रखे गए। देखो इनर और आउटर तो इनकी पोजीशन पे है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट और सन के बीच में है वो इनर, जो बाहर है वो आउटर। टेरेस्ट्रियल का रीजन ये है कि अर्थ लाइक, टेरेस्ट्रियल का मतलब है अर्थ लाइक, और ये अर्थ लाइक इसीलिए है क्योंकि ये पहले चारों जो है ये बने हैं किस चीज से, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स।
ये रॉक से बने हैं, पत्थरों से बने हैं, चट्टानों से बने हैं, इसीलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। लेकिन जो बाद के चार प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, क्योंकि वो गैस से बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और मेड अप ऑफ गैसेस अगर है इसीलिए तो गैस जाइंट है, इसीलिए जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक, और जुपिटर लाइक का मतलब वो सब प्लैनेट जो आपके गैस से बनते हैं, जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी? अब देखो एक बहुत ना एक बेसिक सा आपके सामने क्वेश्चन आता है, ये आपने खैर पढ़ लिए चारों, एक तो इनका सीक्वेंस याद रखना, मोस्टली बच्चों को पहले चार या छह याद हो जाते हैं, नेपच्यून और यूरेनस में क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, पर पहले यूरेनस आता है और फिर नेपच्यून आता है। अब कुछ एक बेसिक चीज, बहुत बेसिक सा एक सवाल है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, इसमें आते हैं आपके एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड, ये क्या हो रहा है बार बार आज? ठीक है, ये आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे दो ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स, अभी कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है, बड़ा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है गाइस, कंपेयर एंड कंट्रास्ट इनर एंड आउटर प्लैनेट्स, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, अब देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक समझ लो, इनर और आउटर प्लैनेट्स में डिफरेंसेस क्या हो, क्या क्या डिफरेंसेस को आप लिख सकते हो। एक तो हमने लोकेशन के बेस पे कर दिया कि इनर वाले जो है उनकी लोकेशन क्या है, दे आर लोकेटेड बिटवीन सन एंड एस्ट्रॉइड बेल्ट, और आउटर वाले भी समझ में आ गया कि दे लाई बियॉन्ड एस्ट्रॉइड बेल्ट, तो लोकेशन हो गया, लोकेशन तो दोनों की समझ ली हम लोगों ने, उसके बाद सन एस्ट्रॉइड बेल्ट और बियॉन्ड एस्ट्रॉइड बेल्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरी चीज ध्यान रखो, इनका कॉम्पोजिशन मैंने बताया था, दे आर मेडअप ऑफ रॉक्स, मेडअप ऑफ रॉक्स, तो मेडअप ऑफ रॉक्स है तो इसलिए टेरेस्ट्रियल है, और दूसरे वाले मैंने बोला मेडअप ऑफ गैसेस, इसीलिए गैस जाइंट्स हैं। एक ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि दे आर स्मॉलर इन साइज एंड स्मॉलर इन वॉल्यूम। देखो साइज में भी कम है, वॉल्यूम में भी कम है, ठीक है ना, और जोवियन जो आउटर प्लैनेट्स हैं, अब किसी का भी साइज देखो, जुपिटर, सैटर्न का, इन सबका साइज कितना बड़ा साइज है, तो दे आर वेरी लार्ज इन साइज, लार्जर इन साइज, बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं और वॉल्यूम में भी बहुत बड़े हैं। अब देखिए वॉल्यूम इतनी है, जुपिटर की मैं बात करूं तो जुपिटर की जो वॉल्यूम है लगभग 1000 टाइम्स ज्यादा है अर्थ की, यानी कि अगर मेरे को जुपिटर के अंदर वॉल्यूम वाइज अर्थ को भरना हो तो कम से कम 1000 अर्थ लगेंगी उसको फिल करने में, इतना बड़ा है ना, पर्टिकुलरली आप देखते हैं जो। खैर, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे, एक तो ये, हाँ ये उसका, उसके बाद एक पॉइंट और भी ध्यान रखना, इनर प्लैनेट्स दे हैव वेरी लेस और नो सैटेलाइट, या तो इनके सैटेलाइट बिल्कुल ही नहीं है या है तो फिर बहुत कम है, और आउटर प्लैनेट जो है इन सब में खास बात यह है, दे हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, खूब सारे सैटेलाइट जो है इनके पास है। अब कंपेयर करके खुद ही देख लो ना, जो हम कंपेयर हम कर रहे थे जो, या ये पहले जो हमारा फर्स्ट फोर जो पॉइंट है वो यही चीज के हैं, पहले फोर पॉइंट्स, ठीक है ना। तो जो देखो मरकरी का कोई है नहीं, मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, अगर होती भी तो इतना पास है सन के कि ग्रेविटेशनल पुल ही उसको अपने अंदर ले जाती, शायद कभी रहे भी होंगे, लेकिन ड्यू टू द एक्सट्रीम क्लोजनेस विद सन इसके जो सैटेलाइट्स हैं वो वापस शायद सन में चले गए। ऐसी वीनस का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि अगर होता भी तो सन अपनी तरफ खींच लेता, क्योंकि ज्यादा ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशन पुल बहुत स्ट्रांग है। अर्थ के पास एक है, मार्स के पास दो है, मार्स के एक इनर और आउटर है, मार्स के दो मून है, डिमियोस और फोबोस। अब बाकियों को अगर आप देखो साइज में, देखो कितने बड़े बड़े साइज वाइज है ना, जुपिटर, सैटर्न, इनके सैटेलाइट भी बड़े हैं, ये साइज में भी बड़े हैं, वॉल्यूम में भी बड़े हैं। एक खास बात और आपको यहाँ पे शायद, बस एक जुपिटर का नहीं दिखाई दे रहा लेकिन ये बात फैक्ट है,
जितने भी हम बचपन से पढ़ते हैं सिर्फ सैटर्न पे हम लोग रिंग लगाते हैं, बट इन रियलिटी गाइस आउटर प्लैनेट जो है चारों के चारों आउटर प्लैनेट, ऑल ऑफ द आउटर प्लैनेट दे हैव रिंग्स अराउंड देम, उनके आसपास ये रिंग है। अब सवाल ये उठता है सर ये रिंग है क्या, क्या चीज का रिंग है? ये एक्चुअली जो है आपके ब्रोकन रॉक्स की ही डेब्रीज है, जो टूटे हुए पत्थरों की ही डेब्रीज है, उस डेब्रीज का वही एक ग्रेविटी के अंदर घूम रही है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की ग्रेविटी के अंदर घूम रही है इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके, उसी से रिंग्स दिखती हैं। वो भी हम बात करेंगे, रिंग्स बहुत बहुत एक नहीं है। सैटर्न की अगर मैं बात करूं, सैटर्न की अपनी उसके अराउंड आपको हमें एक दिखती है, बट इन रियलिटी देयर आर सेवन रिंग्स। तो सभी आउटर प्लैनेट जो है उनके पास रिंग्स है, दे हैव रिंग्स अराउंड देम, दे हैव रिंग्स अराउंड देम, ठीक है ना। और जो इनर प्लैनेट्स हैं, दे हैव नो रिंग्स, इनमें कोई ऐसा अपनी रिंग्स नहीं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो आपका कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी आ जाता है, थोड़ा सा आप इसको जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? अब खैर एनसीईआरटी पे आते हैं, एनसीईआरटी में जो फैक्ट्स दिए हैं उनको एक बार फटाफट से क्विकली देख लेते हैं। तो सन के बारे में पहले सन के बारे में बात करेंगे। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज ह्यूज, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, वो हमने कल भी देख लिया गाइस। अल्टीमेटली हाइड्रोजन ही तो है जो कन्वर्ट हो रही है हीलियम के अंदर, है ना। हाइड्रोजन कन्वर्टिंग इंटू हीलियम, यही तो फ्यूजन रिएक्शन है, और इसी फ्यूजन की वजह से तो हॉट इतना हॉट है, इतना हीट और लाइट है सन के अंदर। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। एक्चुअली ये जो सन है, इसका सन ही वो फोर्स है जो पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखती है, क्योंकि सन, मैंने बताया ना, मास बहुत ज्यादा है, 98% मास तो ये अकेला लेके बैठा है, और इसी के मास की वजह से जो इसका ग्रेविटी पुल है, ये अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही खींच करके बैठा है इस पूरे सोलर सिस्टम को। तभी तो ये प्लैनेट्स, आप सोचिए ना, कोई धागों से थोड़ी ना बने, कैसे बने आखिरकार, क्यों नहीं निकल पा रहे? तो ये पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखने का काम सन करता है, अपनी ग्रेविटी की वजह से किसी चीज को बाहर नहीं जाने देता। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, एंड सो इज ट्रू फॉर अर्थ एज वेल, बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बिकॉज डिस्पाइट बींग आर नियरेस्ट स्टार, इट इज फार फार अवे फ्रॉम अस। देखो वैसे तो सन इतना गर्म है, पर फिर भी हमको इतना, हमें हम तक पहुंचते पहुंचते जो सनलाइट है लगभग 8 मिनट लेती है। हम लोगों ने पढ़ा है इट ऑलमोस्ट टेक 8 मिनट्स फॉर सनलाइट टू रीच दी अर्थ। अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेट करो, आप सोचो कितना ही दूर होगा सन हमसे। बेशक सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, पर नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद भी ऑन एन एवरेज 149 भी कहते हैं, वैसे एनसीईआरटी 150 मिलियन किलोमीटर कहते हैं, बट इन रियलिटी हम 149 एवरेज लगाते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या है ना, दो अलग अलग पोजीशन होती हैं। वैसे हम लोग बोलते हैं कि सन इज इन द सेंटर, पर देखो यार मैं आपको सीरियसली बताऊं ना, ये स्टेटमेंट गलत है। एनसीईआरटी, क्योंकि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी, तो बच्चों को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बताए। इन रियलिटी सन जो है वो सेंटर में नहीं होता, सन जो है स्लाइटली इन द कॉर्नर ऑफ द स्लाइटली इन कॉर्नर, आप इसको वैसे प्रिसाइसली बोलूं तो इट हैज टू बी स्लाइटली इन कॉर्नर। उसका रीजन है, तभी तो डिस्टेंस जो है अर्थ और सन का वो चेंज होता रहता है। ऑन एन एवरेज 149 जो है आपका मिलियन, नॉट किलोमीटर, 149 जो है इतना मिलियन किलोमीटर होता है ना। बट रियलिटी में क्या है, रियलिटी में है 147 से 151 के बीच में ये वेरी करता है, और वेरी करने का रीजन यही है। तभी तो दो पोजीशंस आपकी बनती है, आपने पढ़ा होगा एपहेलियन और पेरहेलियन। ये थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में तो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए क्या रहता है, ये समझ लीजिए कि ये है हमारा सन। अगर सेंटर में होता तो कभी भी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर आपका पूरा सर्कल का सेंटर में लूंगा तो उसके जगह से वो इक्वी डिस्टेंट होता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। रियलिटी में ऑर्बिट कैसे है, रियलिटी में ऑर्बिट ऐसे है, समझिए सन है, सन के पास जो सन बिल्कुल सेंटर में ना होके थोड़ा सा कॉर्नर में है, इसीलिए एक पोजिशन ऐसी होती है, और ये सभी के लिए, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं,
क्योंकि ऑब्वियसली ये सब, क्योंकि जितने भी हमारे जो ऑर्बिट है, देखो ऑर्बिट हमारे कोसेंट्रिक है, तो हमारे सोलर सिस्टम में एक खास बात क्या है सोलर सिस्टम में, कि जितने भी हमारे ऑर्बिट हैं, ऑल द ऑर्बिट्स, ऑर्बिट क्या होते हैं जिसमें प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, वो उसका ऑर्बिट कहलाता है ना, चक्कर जो लगाते हैं उसका ऑर्बिट है। जो हमने देखा था जैसे लाइंस लगी हुई ना कोसेंट्रिक, एक ये सन हो गया उसके आसपास, ये देखो ये सब आपके इनको ऑर्बिट कहते हैं। अब ये ऑल द ऑर्बिट्स आर कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक का मतलब होता है कि इनका सेंटर पॉइंट कॉमन है। तो सेंटर पॉइंट, अब जो सन का अर्थ का जो डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ वही लगभग उसी सेम प्रोपोर्शन में सबका डिस्टेंस आपको मिलेगा, बट रियलिटी ये है कि सन सेंटर में ना होके थोड़ा सा कॉर्नर में है और वो हर प्लैनेट के लिए वैलिड है। तो एक पोजीशन ऐसी होती है जब सन के सबसे करीब, सबसे क्लोजेस्ट होती है अर्थ, और एक पोजीशन होती है जब सन के सबसे फार्देस्ट, सबसे दूर होती है अर्थ, सबसे क्लोजेस्ट सबसे फार्देस्ट। जिस टाइम पे अर्थ सबसे क्लोजेस्ट होती है तो ये डिस्टेंस होता है 147 मिलियन किलोमीटर का, और उस पोजीशन को कहते हैं पेरहिलियन। और जब सबसे फार्देस्ट, सबसे दूर होती है अर्थ सन के 151 मिलियन किलोमीटर, इसको कहते हैं एपहिलियन, पेरहिलियन, एपहिलियन। अब इसके भी पर्टिकुलर डेट्स होते हैं, जो आपका पेरहिलियन है ना वो आपका होता है 3rd of January को, और एपहिलियन आपका होता है 4th of July को। अब देखो यार ये कैसे याद रख सकते हैं, देखो मैं कैसे याद रखता हूं, मैं ऐसे याद रखता हूं कि अर्थ सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे पास है, तो बहुत गर्मी होगी राइट, बहुत गर्म होगा, बट हमको फील नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सर्दियों में गर्म चीज के पास जाएंगे तो एक तरह से न्यूट्रलाइजिंग बैलेंसिंग इफेक्ट का काम करेगा, यस और नो? भाई जनवरी में अगर आप बहुत गर्म चीज के पास जाओगे तो आपको अच्छा सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, आपको एक्सट्रीम फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनवरी में सबसे करीब ला दो अर्थ को, और जब सबसे दूर जाए, जब बहुत ठंडी हो, क्योंकि जितना दूर होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतने ज्यादा कोल्डर एनवायरमेंट होगा ना, उतना ज्यादा ठंड बढ़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, यही तो रीजन है कि अर्थ के बियॉन्ड आप देखते हो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो वाटर है, मैंने बताया था गोल्डन लॉक जोन का कॉन्सेप्ट, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सन से उतना आपका वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या सोचना है, यहाँ पे आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि जो एपहिलियन है, एपहिलियन आपका जुलाई में, क्योंकि सबसे फार्दस्ट, सबसे दूर है हमारी हमारी अर्थ जो है, और वो तभी पॉसिबल है, तभी अच्छा लगेगा उतनी ठंड में भी, जब आपका गर्म दिन होंगे, जब गर्मी का मौसम, जुलाई का मौसम होगा, तो कोल्ड के साथ जोड़ दो। ये तरीका है, लॉजिक नहीं है, बट ये तरीका है इसको याद रखने का कि पेरहिलियन कब होगा 3 January, एपहिलियन कब होगा 4 July, ये दो पोजीशन ध्यान रखना। तो सन इज एग्जैक्टली नॉट इन सेंटर, इन रियलिटी सन जो है वो आपका रहता है थोड़ा सा कॉर्नर में, स्लाइटली इन कॉर्नर, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, एवरेज डिस्टेंस जो है वो आपको मैंने बता दिया। प्लैनेट्स के बारे में बात करें, देयर आर 8 प्लैनेट्स, वो हम पढ़ चुके हैं, ऑर्डर भी हमें याद हो गया है, हम लोग ऐसे याद करते हैं, इसको तरीका याद रखने का, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ऐसा करके बड़ा कॉमन सी ये लाइन है कि माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो मार्स वीनस अर्थ मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, एक तरीका इसको याद करने का हो सकता है। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं वो हमने बात कर लिया, जो सन के अराउंड घूमते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, बहुत ध्यान से, ऑर्बिट चेंज नहीं होते, अगर ऑर्बिट चेंज हो जाते गाइस तो ये प्लैनेट्स आपस में ना टकरा जाते, तो प्लैनेट्स का कोलिजन हो सकता था, विच इज नॉट हैपनिंग। तो ये एक फिक्स डिस्टेंस पे ये जो है मूव करते हैं अराउंड द सन, दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, और इन्हीं पाथ को, इन्हीं के रास्ते, जिस रास्ते पे चलते हैं प्लैनेट, जिस रास्ते में घूमते हैं सन के अराउंड, उसी को हम कहते हैं ऑर्बिट। मार्स सबसे नियरेस्ट है, वीनस को हम अर्थ ट्विन कहते हैं बिकॉज ऑफ साइज एंड शेप वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। 2006 तक हम प्लूटो को भी मानते थे प्लैनेट, लेकिन अब उसको प्लैनेट से हटा करके, मीटिंग हुई 2006 में, मीटिंग हुई जहां प्लूटो को प्लैनेट के स्टेटस से हटा करके हमने क्या बोल दिया, ये मीटिंग किसकी हुई थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उन्होंने डिसाइड किया कि प्लूटो जो है ना बाकी सेलेशियल बॉडीज की तरह इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट मानेंगे, प्लूटो का स्टेटस प्लैनेट से घटा करके
हमने ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया, उसका रीजन क्या है ये मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। तो अगली बार आप लोगों के लिए कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूं जिनका जवाब आपको अगले लेक्चर से पहले ढूंढना है। हर बार की तरह कुछ आपके लिए टास्क, कुछ होमवर्क मैं आपको देके जा रहा हूं इस वीडियो के खत्म करने से पहले। तो आपके लिए जो क्वेश्चंस मेरे पास है जिनका आपको जवाब लेकर के आना है, तो वो क्वेश्चंस क्या है, सवाल ये है अगले लेक्चर के लिए। नंबर वन, आई थिंक ये शेयरिंग शायद बंद हो गया, अभी सबको शेयर हो रहा है गाइस, सबको दिख रहा है ना। तो एक सवाल ये है, ये सोच के आना दैट why do you think we assume and hope for life on Mars? हम मार्स के ऊपर जिंदगी बसती है या बसती थी ऐसा हम लोग क्यों मानते हैं? मार्स हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों है? मार्स जो है, why is it center of attraction? एक तो ये बात आप अच्छे से पढ़ के आओ, सोच के आओ कि मार्स में हमारा इतना इंटरेस्ट क्यों है। प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और दूसरी चीज आप ये भी पता करके आओ दैट why प्लूटो has been reduced to the status of ड्वार्फ प्लैनेट। इसको ड्वार्फ प्लैनेट हमने क्यों बना दिया, प्लैनेट से इसका स्टेटस कम क्यों कर दिया, और ड्वार्फ प्लैनेट कौन कौन से हैं? क्या और भी ड्वार्फ प्लैनेट हैं? अगर हैं तो बाकी अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स के नेम्स भी पूछ के आओ, सोच के आओ। अगर पता है इसका आंसर तो मैं वेट करूंगा कल तक की, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट डाले। एंड आई रियली रियली होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अनअकैडमी के सभी इंफॉर्मेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और जो बुक्स मैंने आपको बताई थी उन बुक्स का लिंक जो है वो भी आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मेक श्योर आप इन बुक्स को भी फॉलो करें, और आप बाकी लेक्चर्स और सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आशीष मलिक अनअकैडमी से, आशीष मलिक आईएएस अकेडमी से भी, और मेरे अनअकैडमी पे कोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।